हेलो कैंसर, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है दिसंबर 2019 की लव टैरो रीडिंग। तो कैंसरियंस, आप लोगों के लिए इस मंथ कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं हेरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स। तो कैंसरियंस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस रिलेशनशिप में या इस रीडिंग में दिख रही है या दिसंबर मंथ में जो मुझे दिख रही है, जो एक फर्स्ट मुझे एक फील आ रही है, वो ये है कि कहीं इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चार कार्ड्स हैं हीलिंग के। एक तो जो गाइडेंस कार्ड है वही हीलिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए हीलिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर को शायद किसी लेवल पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप मुझे दिख रहा है थोड़ा सा यू नो मे बी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हों, या यू नो थोड़ा सा फेथ पे ज़्यादा चल रहे हों, या यहाँ पे मास्टर का कार्ड है कि कहीं एक हीलिंग के बारे में सोच रहे हों, और यहाँ पे सेक्रेट अर्थ मदर का कार्ड है, ये भी हीलिंग का कार्ड है। तो चार कार्ड्स यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग से रिलेटेड हैं, जो कि मुझे यही कहता है कि दिसंबर मंथ में अगर आप हीलिंग करते हैं या कराते हैं अपनी या अपने रिलेशनशिप की, तो बेटर रहेगा। आगे अगर मैं देखूं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो आपके लिए अगर मैं देखूं कैंसर्स, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं यू नो आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेके सेंटिमेंटल हो सकते हैं, थोड़े से टची हो सकते हैं। हो सकता है कि छोटी छोटी बातें आपको हर्ट हो जाएं इस मंथ, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हों जिससे कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक लविंग और केयरिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि किसी लेवल पे आपने कोई स्टैंड लिया हो, आप थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाह रहे हो, या थोड़ा सा आप यू नो एक ईगो इशूज़ भी मुझे थोड़े से ईगो इशूज़ भी आपकी तरफ से मुझे दिख रहे हैं। बट यू नो कोई चीज़ है जिसको लेके आप दिसंबर मंथ में मुझे परेशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बोलता है कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन है। हो सकता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, और आपको अपने पार्टनर को ना करना में डिफ़िकल्टी हुई होती हो, इसलिए यू नो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली हों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर रहे हैं, या यू नो बर्डनड हो रहे हैं, और इसकी वजह से आप उदास हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इतना ज़्यादा प्रेशर आपसे नहीं लिया जा रहा। या हो सकता है यू नो अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं, तो मुझे दिखता है कि हो सकता है वो शादी के बारे में सोच रहे हों, हो सकता है वो आपको बोल रहे हों शादी के लिए, या नेक्स्ट लेवल की पे जाने के लिए बात कर रहे हों, वो कमिटमेंट चाहते हों, और आप अभी इस मूड में ना हों कि आप अभी कमिट करें। या हो सकता है यू नो उनकी कहीं और बात चल रही हो शादी की, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। या हो सकता है कि बहुत ही वो फिक्सेटेड हो रहे हों चीज़ों को लेके, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हों, थोड़े से स्टबन हो रहे हों, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे बोलता है कि वो भी यू नो चीज़ों को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं, वो लेट गो नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। या हो सकता है कि वो खुद को होल्ड बैक कर रहे हों, 100% ना आ रहे हों इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है कि कोई फीमेल है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। या हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा ब्लंट हो रहे हों, थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हों, जो आपको अपसेट कर रहा हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, जो आपको बॉदर कर रहा हो। और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यू नो आपने हो सकता है पीछे इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करी हैं, या हो सकता है दिसंबर मंथ में आप को ऐसे एडजस्टमेंट्स और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, जिसके वजह से आप बर्डन फील कर रहे हैं, आप प्रेशर फील कर रहे हैं, और आप उदास हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर का देखूं, तो मुझे दिखता है कैंसेरियंस की कहीं यू नो अगेन वो चीज़ों को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत फिक्सेटेड चल रहे हैं। और कहीं हो सकता है, मैं सब कैंसेरियंस के पार्टनर की बात नहीं कर रही, बट कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर हो सकता है कि यू नो शादी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हों, एक कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हों, उनकी कहीं और बात चल रही हो शादी की, तो वो आपको ये बता रहे हों। और कहीं यू नो वो एक स्टैंड लेना चाहते हैं वो भी,
और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि जिनसे भी वो बात कर रहे हैं उनके पार्टनर डाइवोर्सी हैं या सिंगल हैं या पहले रिलेशनशिप में थे और अब सिंगल हैं, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो भी है मुझे दिख रहा है कैंसेरियंस के, आपके पार्टनर भी कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं हैं, कहीं बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत इन्जॉय कर रहे हैं या बहुत मस्ती कर रहे हैं। अगर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके तो उनकी तरफ से भी मुझे एक गिल्ट की फीलिंग हो रही है, जो भी उन्होंने पीछे किया है जाने अनजाने, हो सकता है अगर आपको हर्ट किया है तो वो गिल्ट फील कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ भी इश्यूज आपकी रिलेशनशिप में चल रहे हैं अभी या नवंबर मंथ सॉरी दिसंबर मंथ में चलेंगे, उसकी वजह से वो काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, और वो मेरे को लगता है आपको प्रॉमिस भी करेंगे इस मंथ की वो इन इश्यूज़ को डील करेंगे, वो हील करेंगे, वो आगे से बेटर होंगे। और अगर मैं देखूं कि क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, तो अगेन कैंसेरियंस हीलिंग आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड है कि हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। हीलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कि अगर आपको लगता हो कि आप अपने पार्टनर से एक बारी बैठ के अच्छे से बात करें तो हीलिंग हो सकती है, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसको आपको लगता हो कि आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, या सिंपली आप प्रेयर कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और प्रभु से या जिस भी गॉड को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे एक डायरेक्शन ले सकते हैं, या आप किसी थेरेपिस्ट या हीलर के पास जा सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है या दिसंबर एंड में इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज रहेंगी, तो मुझे दिख रहा है कि किसी लेवल पे ज़रूर इस रिलेशनशिप में हीलिंग होगी। और यहाँ पे फ्लेम ट्री का कार्ड है विच सेज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, तो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग आ सकती है, नए तरीके से स्टार्ट हो सकता है। और ऑल इन ऑल मैं देखूं अगर कैंसेरियंस की क्या रहेगा दिसंबर मंथ, तो मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर है, आप थोड़ा उदास फील कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट कहीं आपको पूरा फेथ है, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं और पूरे फेथ से आप आगे चल रहे हैं कि जो भी होगा वो ठीक होगा, भले ही ये रिलेशनशिप रहे या ना रहे, या अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ हैं, अल्लाह आपके साथ हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर मैं आपके पार्टनर का देखूं तो ऑब्वियसली कहीं वो 100% नहीं आ रहे हैं, हो सकता है थोड़े ब्लंट हों, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, कोई फीमेल उनको इन्फ्लुएंस कर रही हों या वो कमिटमेंट चाह रहे हों, बट जो भी है वो भी इक्वली मुझे परेशान दिख रहे हैं। और ये एक एक्सपीरियंस है, और जो एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ये एक एक्सपीरियंस है, इसको आप जितने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जितने अच्छे से इस फेज को आप निकाल लेते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग आएगी, नई शुरुआत होगी। तो कैंसेरियंस, ये थी आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 की लव टैरो रीडिंग। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।